हमारे सामने अजय बहरूपिया हैं जो राजस्थान से पधारे हैं। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में आयोजित बहरूपिया फेस्टिवल में, जिसका आज 7 अक्टूबर को आखिरी दिन है, आज ये भील की वेशभूषा में है। कल परसों हमने इनको रावण और सीता की भूमिका में देखा। भील की भूमिका में इनको देखते हुए लगता है जिस तरह से इन्होंने बहुत भील के मेकअप के लिए जरूरी और उपयोग में आने वाले संसाधनों को लगा रखा है, अपने पहन रखा है, तो उससे लगता है कि ये निश्चित रूप से किसी भी भील बहुल आदिवासी बहुल प्रांत के एक व्यक्ति हैं, जबकि ये राजस्थान से हैं। हम इनसे बात करते हैं। अजय जी, आपका स्वागत है। मैं चाहता हूं कि आप अपने बारे में बताइए कि आप किस गांव से हैं और किस प्रकार आपको बहरूपिया बनने की ललक हुई। देखिए, मेरा नाम अजय है, मैं कोटपुतली जिला जयपुर गांव खड़म नारेड़ा का रहने वाला हूं। देखिए, हमारे बुजुर्गों का काम है, आज से नहीं हजारों साल पहले से है, और धीरे धीरे ये बहरूपिया संस्कृति लुप्त होती है। तो जो हमारे देश की प्राचीन कला, सबसे प्राचीन कला लुप्त होती जा रही है, इसलिए मैंने मेरे पापा से सीखा और जहाँ तक उनसे होगा इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करी है। आपके पापा का नाम क्या है? जी, मेरे पापा का नाम पप्पू है। अच्छा, आपने जब बहुत छोटी उम्र में आप याद करिए, आपने उनको किस रूप में देखा था और प्रभावित हुए थे? जी देखिए, मैंने पापा को सबसे पहले रावण के रूप में देखा था। अच्छा, वो आपको साथ रखते थे अपने जब भी कहीं जाते थे या नहीं? नहीं सर, स्कूल में। आपने पढ़ाई करी है, कहाँ तक? जी सर, मैंने 8वीं तक पढ़ाई करी। 8वीं तक पढ़ाई करी। कब आपको लगा कि पिता के साथ मेरे को भी बहरूपिया बनना है? बिल्कुल सर, अब जब धीरे धीरे हमारी आदि समाज छोड़ चुकी काम को, हमारे देश की जो कला है, प्राचीन कला संपत्ति जो हमारे देश की धरोहर है, धीरे धीरे मिट जाएगी। हमारे बारे में सिर्फ किताबों में पढ़ाया जाएगा, म्यूजियम में दिखाया जाएगा कि बस ये हुआ करते थे। इसलिए हमने, जहाँ तक मैंने सोचा कि मैं करूँ कुछ, इस कला में मेरा योगदान हो, इसलिए सर मैं बहरूपिया कला में आया। अच्छा, पिता की इच्छा थी कि आप बहरूपिया बनो? नहीं सर, वो नहीं चाहते थे। हाँ, लेकिन वो कैसे मान गए आपकी जिद के आगे? सर, मैंने उनको बात बताई कि पापा, जिस अपनी कला है, हम इस कला को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो कौन बढ़ाएगा। पापा ने कहा कि भाई, देखने वाला तो है नहीं आज के जमाने में कोई इसको। हाँ, आज के जमाने में लोग सब मैच देखते हैं, टीवी देखते हैं, तो बहरूपिया कौन देखना चाहेगा। देखा पापा, जितनी तक हमारी जो कला है उसको आगे बढ़ा सकते हैं तब तक तो बढ़ाएंगे, आगे दर्शकों की इच्छा। फिर आप लोग निकल पड़े। हाँ जी, पहला रूप अपना याद है कौन सा रखा था? पहला रूप मैंने 14 साल की उम्र में चूहे का रखा था। हाँ, वो किस्सा आपने बताया था, दोबारा मुझे बताओ। जी सर, दरअसल हुआ ऐसे कि मेरे नाना जी और मेरे मामा जी, हाँ, मेरे मामा जी गणेश जी का रोल कर रहे थे। हाँ, तो मेरी भी उत्सुकता जगी कि मैं भी बनूं। हाँ, मेरे नाना से कहा कि नाना जी, मैं भी बनना चाहूँगा। और तो नाना जी ने कहा कि क्या बनोगे? तो नाना जी, गणेश जी के साथ तो चूहा होता है, मैं तो चूहा बनूंगा। सबसे पहले सर मैंने चूहे का रोल करा। इस तरह शुरुआत हो गई। हाँ, और आगे क्या क्या बनते गए फिर? फिर सर, कभी नारद बना, भोले बना, रावण बना, जिन बना, अब शेख बना, काबुली पठान बना, जौहर बना, पागल बना, उजर उजरी, लोहार लोहारी, काफी तरीके के। अच्छा, तुम जैसे दिखते हो बड़े दुबले पतले हो, बड़े सज्जन दिखते हो चेहरे से, लेकिन तुम्हारा यहाँ पर फ्लेक्स लगा हुआ है रावण वाला, वो तो बड़ा भयानक सा है, तो कैसे जब वो रूप रचते हो तो कैसे पर्सनालिटी आ जाती है? जी देखिए सर, आज कलाकार एक पानी की जैसा होता है। वाह वाह, तो आप जिसको उसमें पद डालोगे ना, वो उसी का आकार ले। क्या बात, जो हम रोल बनते हैं उसकी आव भाव, नजरिया, वो हम में आता है। रावण के जैसा, रावण बन के तो रावण जैसा घमंड होना चाहिए, तब जाकर हमारा रोल परफेक्ट होगा। क्या बात है,
तो ऐसे जो जो रोल करते हो उसके कुछ थोड़े बहुत संवाद भी याद करना पड़ते होंगे ना, कुछ मंच पर बोलना पड़ता है। कहाँ कहाँ किन किन शहरों में आपको जाने का मौका मिला? सम्मेलन, राष्ट्रीय भाषा सम्मेलनों में तो मैं दो जगह गया हूँ। हाँ, पहला तो उदयपुर में शिल्प ग्राम में सन 2014 मई में हुआ था, और या अब अपने दिल्ली में इंदिरा गांधी कला केंद्र। हाँ, ये सबसे बड़ा उत्सव है जिसमें आप लोग आए। हाँ, लगभग देश भर से 70 से 100 लोगों के बीच करीब हैं यहाँ पर। इस सम्मेलन का हिस्सा बनकर कैसा लग रहा है? बड़ी खुशी हुई सर के कभी कभी तो हमेशा नहीं तो कभी कभी तो सरकार हमारे पर ध्यान दे। दिल्ली की जनता, दिल्ली के लोग, दिल्ली के भाई बंधु, परिवार, बच्चे, इन सब के बीच मिलकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। गाँव में तो परफॉर्म करते हैं हम, कस्बों में परफॉर्म करते हैं, बड़ी सिटी में रोल दिखाना बहुत अच्छी बात है और लोगों ने काफी पसंद किया। आज शाम तक यही रूप रहेगा जी? नहीं, कुछ बदलोगे शाम को? शाम को क्या बनोगे जी? मैं सुपन खा दो। अरे वाह वाह, बहुत अच्छा। बैरूपिया कला के विकास को लेके आपका क्या सोचना है, क्या सपना है जी? देखिए, हमारी कला अब सर विकास तो पब्लिक के ऊपर है या हमारे ऊपर, हम तो दिखाने के ऊपर है कि हम रोल दिखाएं। हाँ, पब्लिक के ऊपर ये है कि वो देखें। हाँ, उस कला की जो ज्ञान है, कला के अंदर हर रोल के पीछे ज्ञान है। आज मैं श्री वाल्मीकि के जी भील बना हूँ, जिन्होंने रामायण छापी बनाई थी, लिखी थी। तो पहले ऋषि होने से पहले भील थे, और उनका कार्य क्या था कि किसी भी आदमी जंगल से निकलने वाले वो जानवरों को मारते थे, खाते थे जंगली आदमी, कोई आदमी उठता तो उसको लूटते थे। तो एक वक्त उनके पास नारद मुनि आ जाते हैं, चल रहे तो उनको पकड़ लिया, उनको बांध दिया भाई निकाल माल सामान। उन्होंने कहा भाई मेरे पास का माल सामान, मेरे पास तो फूल माला और हरी हरी का नाम है, तू ले ले क्या, मुझको तो कुछ भी कर, मुझे पैसे चाहिए। उन्होंने कहा नारद मुनि जी ने, तो तुम ये पाप कर रहे हो, तो इस पाप में तुम ही शामिल हो। हाँ, तुम्हारे पूरी फैमिली शामिल। हाँ, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं शामिल कैसे हो अकेला, मेरी पूरी फैमिली शामिल। हाँ, ऐसे करो मुझे तो तुम यहाँ बांध जाओ, और तुम तुम्हारी फैमिली से जाके पूछो कि मैं जो पाप कर रहा हूँ तुम उसमें शामिल हो जाओ। हाँ, श्री वाल्मीकि जी महाराज ने सबसे पूछा, सबने मना करा। पिता बेटे ने कहा पिताश्री आप लाते हैं तो हम खाते हैं। बीबी से कहा कि तुम मेरे पाप शामिल हो, उन्होंने कहा नहीं आप लाते हो, मैं बना देती हूँ। तो नारद मुनि के पास फिर आए कि महाराज ऐसे ऐसे कह रहे हैं, तो कोई पाप में शामिल नहीं, कोई पाप में शामिल नहीं हो, तू क्यों पाप कर रहा है। उन्होंने कहा मुझे मार्गदर्शन दी। हाँ, उन्होंने कहा कि तुम राम का नाम लीजिए। तो वो राम का नाम तो उनसे मुड़ता नहीं था क्योंकि पाप ज्यादा करे थे उन्होंने, तो वो मरा मरा करते थे। तो एक छुपाई आई है रामायण में कि उल्टे नाम जपो जग जाना और वाल्मीकि रे ब्रह्म समाना। इसीलिए हमारा रोल का ये उद्देश्य है कि पाप मत करो। ये ऐसा आदमी था मारने काटने वाला, वो भी साधु बन गया इस राम के नाम से। हमारे रोल का ये उद्देश्य है। अब मान के जिंद बन गए, जिन का रोल का भी अलग उद्देश्य है। ज्ञान होता है सर, हर चीज हर रोल में हमारे में ज्ञान होता है। इसलिए पहले के जमाने में हमारी कला बहुत गदर थी। जिंद के रोल में लोगों को ये ज्ञान समझने वाला समझता है आज के दौर में भी। मुस्लिम ग्रंथों को उठा के देखें, दंत कथा में तो जिंदों का बहुत बड़ा क्या चाहता है, बहुत ताकतवर कौम होती थी। मनमाज इसको आबाद कर दें, मनमाज इसको बर्बाद कर दें, जमीन से एक ऊपर चलने वाली। पर उन्होंने भगवान की, खुदा की, परवरदिगार की उन्होंने नाफरमानी कर दी, उनको मिटा दिया गया। इसलिए जिन के रोल में ये होता है कि भगवान की नाफरमानी मत करो चाहे कितने ताकतवर। रावण का रोल बन के आते हैं, रावण के रोल में ये उद्देश्य होता है कि देखो इतना बड़ा ताकतवर इंसान जिसके 10 भुजा 20 सोने की लंका, उसने तीनों लोग को जीत लिया, मगर उसने एक पाप करा और घमंड करा, उसका नाश सर्वनाश हो गया। और हमारे हर एक रोल के पीछे हर एक ज्ञान होता है। हाँ, बस उसको समझने वाला होना चाहिए। क्या बात, बहुत अच्छी बात।
आपका धन्यवाद, आपने हमसे बात करी। आपको हार्दिक शुभकामनाएं, आपका भविष्य अच्छा हो और जो सपना आपने देखे हो पूरे हो। नमस्कार।